अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मसाला चिकन फ्राई, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनकर घर पर तैयार हो जाता है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 टीस्पून चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून। इन सब मसालों को ऐड करके इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दें और 1 लेमन ऐड कर दें ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करते जाएं। अच्छी तरह से चिकन में लग जानी चाहिए। और हम अब इस चिकन को 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। पैन को अच्छी तरह से गरम कर ले, इसमें ऑयल ऐड कर दें। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। एक एक करके इसमें ऐड करते जाएं। और 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पका लें। ये मसाला फ्राई चिकन खाने में बहुत ही मज़ेदार बना था, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट बाद इसे पलटा लीजिए और आगे से 5 मिनट तक पका लें। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे पलटा लेना है, वरना इसका मसाला निकल जाएगा। इसे भी हमने 5 मिनट तक पका लिया है और हमारा चिकन अच्छे से फ्राई होके तैयार हो चुका है। हम इसे निकाल लेंगे। हम इस चिकन को टिश्यू पेपर में निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें निकल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है इसका, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हमने आप लोगों को इस रेसिपी को बनाना सिखाया है। और इसे प्याज और लेमन के साथ सर्व कर दें। ये देखिए हमारा चिकन अंदर तक अच्छी तरह से गल चुका है। ये अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बना था। हम इसे जवारी की रोटी के साथ सर्व कर देंगे। इस रोटी को बनाना बहुत ही आसान है। इस रोटी की फुल रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इसे हल्के हल्के हाथों से बड़ी कीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब तवे को अच्छी तरह से गरम कीजिए और इस पर रोटी ऐड कीजिए और इस पर थोड़ा सा पानी लगा दें चारों तरफ से। दो मिनट बाद इसे पलटाकर सेक लें और चारों तरफ से अच्छी तरह से पका लें। पलटा कर अच्छी तरह से सेक लें ये रोटी को। हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। हमारी जवारी की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे फ्राई चिकन के साथ खा सकते हैं। फ्राई चिकन के साथ आप जवारी की रोटी या फिर गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं।
इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।